झारखंड के साहिबगंज में होली के पर्व को लेकर पत्रकारों के बीच भी होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां तमाम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकारों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। झारखंड के साहिबगंज में पत्रकारों के बीच होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस होली मिलन समारोह में झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद ठाकुर भी शामिल हुए। इस दौरान सभी पत्रकार एक दूसरे को रंग अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई देते नजर आए। वहीं सभी लोगों ने स्वादिष्ट व्यंजनों का भी लुत्फ उठाया और जमकर होली के गीतों पर थिरके। देखिए, होली रंगों का त्यौहार है और वस्तुतः ये असत्य पर सत्य की विजय का त्यौहार है। हम लोग रंग खेलते हैं, एक दूसरे से अपना जो खुशियां हैं, जो उल्लास है, उसको शेयर करते हैं। ये एक प्रतीक है कि हम रंग के, जो लाल हरा रंग है, वो जिंदगी के खुशी का रंग है और उसको हम लोग शेयर करते हैं। और यह दो वर्षों में निश्चित रूप से जो हमारे जो पौराणिक कथा के अनुसार हम खुशियाँ भी करते हैं, वो उसमें रुकावट थी, तो कहीं ना कहीं लोगों में जो आपसी भाईचारा है उसमें थोड़ी सी रुकावट हुई थी। और अब जबकि सब इससे हम लोग लगभग पूरा देश निवृत्त हो चुका है कोरोना से, फिर भी हम लोग उसमें जो उसकी जो खासियत है, उसको जो रोकने का प्रक्रिया है कि हम लोग नहीं, उसमें हम लोग कहीं कमी नहीं रखेंगे, ये हमारा संदेश है। और सबसे कहना चाहेंगे कि ये जो खुशियों का त्यौहार है, इसमें किसी तरह व्यवधान न हो, इसके लिए मद्यपान नहीं करें, किसी भी तरह का नशा का प्रयोग करके और फिर ये रंगों का त्यौहार को उसमें रंग में भंग न डालें। ये मेरे खास करके युवा पीढ़ी जो है उनसे मेरा यह संदेश है। और हमारे जो पत्रकार बंधु हैं पूरे झारखंड के, जो है हम ये झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन, ये आह्वान करता है और ये अपील करता है कि पूरे खुशियों के साथ त्यौहार को मनावें और कभी भी नशा का प्रयोग न करें। झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद कुमार ने कहा कि होली त्यौहार आपसी प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है। पूरे समाज की जिम्मेवारी है कि इस प्यार भरे रंग को धूमिल होने ना दें। वहीं इस मौके पर विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया के लोग भी मौजूद रहे। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए साहिबगंज से अरविंद कुमार की रिपोर्ट।